गाइस, कैसे हो आप सब? मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे और आज बच्चों का जो है वो छुट्टी वाला दिन है, बट हमारा तो छुट्टी वाला दिन कभी होता नहीं है क्योंकि हम लोगों को तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभानी ही पड़ती है। तो अभी जो है ना, मैं सारे काम वाम करके नहा के जस्ट फ्रेश होकर आई हूँ एंड संडे है तो आज हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी था। और मैंने कल वैसे भी विवेक के हाथों से जो है ना ऑयलिंग करवाई थी अपने बालों में, और मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा बैठा सा लग रहा है ना, बच्चों के पीछे चिल्लाते चिल्लाते भागते भागते जो मेरा आवाज़ थोड़ा सा हो गया। कल से तो फिर भी अभी बेटर है, कल तो मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। आज संडे है, कल सैटरडे था ना, मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया और अभी थोड़ा सा रिलैक्स भी फील हो रहा है। क्या झाला क्या झाला, इसको देखो मैगी खाना, ये कितना चिढ़ रहा है। क्या झाला, टप्पू नहा चुका है, पीकू नहाने की है। पीकू अपने फ्रेंड्स के साथ गई है ऊपर वाले फ्लोर पे खेलने के लिए। आज उसके सारे फ्रेंड्स मिलके ऊपर वाले फ्लोर पे खेल रहे हैं, मतलब मुझसे ऊपर वाला फ्लोर जो है ना वहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे सारे मिलके। मैं सोचा कि थोड़ी देर खेलने देते, आज संडे है, वैसे भी रोज़ तो वैसे ही बच्चों के पीछे भागम भाग होती है। मैं सोचा उसको खेलने देते, मैंने अपने काम कर लिए, टप्पू को नहीं जाना था, टप्पू मेरे पीछे पीछे है। तो अभी जो है आज संडे है तो संडे के नाश्ते में हमारे घर में हर बार मैगी ही बनती है, तो आज भी मैगी ही बनेगी। तो अभी मैं बाल वाल जो है ना वॉश करके आ गई। मैंने सोचा अभी सबसे पहले दिया जला देते हैं भगवान के पास में, उसके बाद में जाके जो है ना मैगी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा मतलब बस दिया लगाऊंगी, अगरबत्ती लगाऊंगी, और इस टाइम पे मैं आरती वारती नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इस वजह से। तो मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था भगवान के पास का, तो मैं बस वही फिल करके लेके आ गई हूँ और पूजा करूँगी। मैंने आज बाहर से जो है ना मोगरा वाला जो फूल होता है ना वो भी तोड़ के लाया है, तो वो भी मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। साथ ही मैं थोड़े से लाइट जला दूँगी भगवान के पास के, तो अच्छे लगते हैं। और जो आरती वगैरह होती है ना, मैं वो शाम के टाइम में करती हूँ, स्पीकर पे जो है ना आरती वारती लगा देती हूँ और आराम से पूजा करती हूँ। बट इस टाइम पे जो है ना नॉर्मली पूजा करती हूँ मैं। हम लोगों की मैगी बन चुकी है, टप्पू ने खा भी ली, टप्पू भाग भी गया बाहर। और बाहर वाली आंटी आवाज दे रही है, बाजू वाली। और ये देखिए हम लोगों की मैगी बन गई है, मैं मैगी खाऊंगी। मैंने अपने लिए चाय भी रखी है, मैं चाय के साथ थोड़ा सा टोस्ट खाऊंगी। यहाँ पे पीकू खा रही है, पीकू आके पीकू ने फटाफट से नहा लिया है और पीकू खाने के लिए बैठ गई और टप्पू खा के भाग भी गया है। मैं एक्चुअली दरवाजे में रंगोली डाल रही थी, मैंने रंगोली नहीं डाली थी। तो चलिए खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद में फिर कुछ ज़रूरी है जो मैं आप सबसे बताती हूँ। बच्चों को मैगी खिला के दूध वगैरह पिला दिया था मैंने, बच्चे फिर खेलने के लिए चले गए। आज संडे है ना तो सारे बच्चे जो है ना सोसाइटी के मिलके खेल रहे हैं साथ में, तो मैंने उनको खेलने के लिए भेज दिया दूध पी के पिला के। और यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके बैठ गई, तो मैं थोड़ा सा चाय पिया, उसके साथ में मैंने टोस्ट लिए थे। फिर मुझे याद आया कि चलो चाय और टोस्ट को जो है ना एक साथ भिगो के खाया जाए। पहले ऐसे में बहुत खाया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने टोस्ट के ऊपर ही जो है ना चाय पूरी डाल दी है और पूरे टोस्ट को जो है ना उसी चाय में मैं एकदम अच्छी तरीके से भीगने दूंगी। और बस मैंने जो है ना दो ही टोस्ट लिए हैं, आधा वाला पीकू का बचा हुआ था वो ऐसे करके लिए हैं, और उनको अच्छी तरीके से चाय में जो है ना भीगने दूंगी और उसके बाद में खाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऐसे टेस्टी जो है वो लगते हैं। और देखिए आज मैंने ये सब कुछ प्लांटिंग की है, मैंने तुलसी माता जी अभी लगाई है, तो ये थोड़ी देर के लिए ऐसे मुरझाई हुई दिखेगी, उसके बाद में अच्छे से हो जाएगी। और ये देखिए ये मैंने मोगरे वाला जो है ना प्लांट लगाया है, आगे में बहुत बड़ा वाला जो है ना इसका झाड़ है, तो उसमें से थोड़े से तोड़ के लगाया है। और ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये बढ़ते ही जा रहा है, तो मैंने इसको बड़े वाले पॉट में जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया ताकि आराम से ये बढ़ते रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आज संडे था तो मैंने थोड़े से प्लांटिंग कर लिए हैं। एक्चुअली मुझे जो है ना मोगरा वाला जो है ना वो प्लांट चाहिए था, तो वो लाया मैंने, वो लगाया है। एक पॉट मेरे पास वैसे भी ऑलरेडी खाली था, और साथ में जो है ना मैंने तुलसी लगाई है। मेरे घर की तुलसी जो है ना काफ़ी टाइम पहले सूख गई है, बहुत टाइम से तुलसी नहीं थी घर पे, और अभी बारिश के टाइम पे जो है ना नई वाली तुलसी अब बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने सोचा ही था कि जैसे बारिश स्टार्ट होंगी मैं लगाऊंगी, तो मुझे आज मिल गई तुलसी माता, तो मैंने वो लगा दी है। और एक मेरे पास स्नेक प्लांट था, उसको भी थोड़ा सा जो है ना रीपॉट कर दिया है, क्योंकि जो है ना वो जिस पॉट में था वो पॉट छोटा और वो प्लांट बढ़ते जा रहे थे। वैसे भी उसमें से एक दो मैंने छांट लिए हैं, बट फिर भी वो बढ़ते जा रहा था,
इसमें से उसको भी कर लिया। इसका थोड़ा सा फ्री टाइम होता है संडे का, तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर लेते हैं। और अभी मैंने टप्पू को भी सुला दिया, अभी फाइनली मेरा फ्री टाइम है। मैं वीडियो एडिट करूँगी, मेरे किचन में जो भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो करूँगी, कुछ थोड़ा बहुत खुद का काम होगा, तो ऐसे फ्री टाइम जो है ना वो इन्जॉय करूँगी। मैं सोचा उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ यानी घुमा दूँ, कश्मीर घुमाने चली हूँ मैं अभी आप लोगों को। एक्चुअली मैंने भी देखा है फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसे तो पिक्चर में हम लोग बहुत बार देखते हैं, बट खुद खुद जाके मैंने कभी नहीं देखा था। बट मेरा भाई जो है वो गया हुआ है कश्मीर में, मेरा कज़िन ब्रदर है, मेरी मौसी जो है उनका बेटा जो है वो गया है कश्मीर में, अनमैरिड है। अनमैरिड लोगों का ही काम है ये, क्योंकि हम लोगों के लिए तो होता ही नहीं है कि हम लोग कितने बार सोचते हैं ना हम जाए घूमने, बट नहीं होता। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए तो नहीं जा सकते हैं, जब तक अनमैरिड है तब तक ऐश कर लो। तो मेरा भाई जो है वो गया हुआ है कश्मीर में, उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ में गया है 10 दिनों के लिए। तो वो जो है वहाँ पे इंजॉय भी कर रहा है, साथ में फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करके हम लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे सेंड कर रहा है। तो मतलब वो पिक्चर में देखने में और ऐसे वीडियोस में देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल जगह है कश्मीर, बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचा आप लोगों के साथ भी मैं वो वीडियोस क्लिप जो है ना वो शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें, क्योंकि किसका ड्रीम नहीं है कश्मीर शिमला या ऐसे कहीं मनाली वनाली जाने का, सबका ड्रीम होता है बट नहीं जा पाते हैं कुछ लोग, जैसे कि मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, तो होपफुली कभी ना कभी तो जाएंगे ही। सोचा चलो आप लोगों को भी वो क्लिप्स के द्वारा मैं दिखा दूँ, तो चलिए आप लोग वो क्लिप्स एंजॉय कीजिए, आप लोग देखिए कश्मीर घूम लीजिए। नहीं तो आगे थोड़े आगे बढ़ते हैं, क्या होते तुम भी मत जाओ। हेलो हाँ तो देखा आप लोगों ने कश्मीर की वीडियोस कितने अच्छे लगते हैं ना देखने में, ऐसा लगता है देख के हम लोग भी चले जाए। तो बहुत ही अच्छा सा पीसफुल सा जो है ना मौसम और वहाँ के सीन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पूरी हरियाली है हर जगह पे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मैंने आफ्टरनून में फिर उसके बाद में व्लॉग नहीं बनाया, ये डायरेक्टली शाम का व्लॉग है। संडे का दिन है, बच्चे घर में रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो स्नैक्स चाहिए होता है। तो ये मेरे पास बहुत ही बड़ा सा आलू है, मतलब ये कम से कम आधा किलो के आसपास एक ही आलू होगा, बहुत बड़ा आलू था। तो मैंने क्या किया है ना, सोचा बच्चों को चलो फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे देते हैं। तो फ्राइज़ बना रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से फ्राइज़ मैं घर पर बनाती हूँ, मैं कभी फ्राइज़ बाहर से ख़रीद के नहीं लाती हूँ, क्योंकि घर में अगर हेल्दी तरीके से हमको बनाते आता है तो क्यों लेके आए बाहर से, है ना, ऐसा होता है ना। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना बनते हैं, जैसे आप लोग बर्गर के साथ खाते हो कहीं से, बिल्कुल उस टाइप से ये फ्राइज़ बनते हैं। तो कुछ नहीं, बड़ा सा आलू लिया है, उसके जितना भी छिलटा था वो सब कुछ मैंने पील कर लिया है। उसके बाद में उसको ऐसे लंबे लंबे डाइस में जो है ना हम लोग काटेंगे, जिस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ कट करते, देखो कितने लंबे लंबे और मोटे मोटे काटे हैं मैंने।
तो इस तरीके से हम लोग को कट कर लेना है, थोड़ा सा पानी में धो लेना है। आप लोगों के पास टाइम हो तो 10-15 मिनट के लिए पानी में ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में इसको अच्छे से एक साफ़ वाले कॉटन के कपड़े से जो है ना हल्का हल्का सा पोंछ लीजिए, और फिर बस थोड़े से तेल में डालना। आप ज़्यादा तेल डाल के आप लोग एकदम डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हल्का सा शैलो फ्राई टाइप कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या करती हूँ ना, आधा घी आधा ऑयल में जो है ना इसको फ्राई करती हूँ। और क्या करना है, इसको एकदम फुल फ्लेम पे करना है। धीरे कम फ्लेम पे करेंगे कि आलू पकने देना है, तो आलू जो है ना मॉइस्ट हो जाएंगे, एकदम सॉगी सॉगी टाइप लगेंगे, एकदम क्रंचीनेस उसमें नहीं रहेगा। तो अगर आपको क्रंचीनेस चाहिए है तो आपको फुल फ्लेम पे पकाना होगा। और हल्के से जो है ना मेरे लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो ध्यान नहीं दिया था, और साथ में बच्चे थे ना, बच्चों के साथ में कुछ भी करने जाओ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो हल्के से ये हो गए। टप्पू को बहुत ज़्यादा गलती थी, बहुत ज़्यादा घाई थी टप्पू को कि मम्मा फ्राइज़ फ्राइज़ ऐसे करके वो चिल्ला रहा था। तो मैंने फटाफट से उन लोगों के लिए, दोनों भाई बहन के लिए प्लेटिंग कर दी है। दोनों भाई बहन एक प्लेट में बैठ के खा लेंगे। साथ में सॉस दिया है, हल्का सा ऊपर से नमक डाल दिया है। आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्टी लगता है। उसके बाद में विवेक भी ड्यूटी से आ गए थे, तो मैंने क्या किया था, दोपहर में खिचड़ी बनाई थी ना, तो मैंने उनके लिए खिचड़ी को थोड़ा सा और तड़का लगा के दे दिया है। साथ ही में अचार, ये वाला अचार जो है मैंने ये घर में बनाया हुआ अचार है, बहुत ही टेस्टी बनाया, बट अभी पूरी तरीके से जो है ना बनने का है, वो मतलब उसके पीसेस गलने के हैं बराबर से। तो बस यही तक का था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।